बच्चों, आज हम आपके बीच गणित की एक नई अवधारणा कक्षा चार में गुल्लक। क्या होता है गुल्लक, आप सभी जानते हैं गुल्लक। आप कहते हैं देखो, ये मेरे पास एक गुल्लक है जिसको इंग्लिश में मनी बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? मनी बैंक। इसको खोलते हैं, आओ देखो। आपने भी गुल्लक खोला होगा कभी। ये देखो, ये खुल गया गुल्लक मेरा। इसमें से ये पैसे निकले हैं। अब हम इन पैसों को गिनेंगे और गिनकर हम आइसक्रीम वगैरह जो खानी है वो खा लेंगे। चलो करते हैं शुरू गिनना। कैसे गिनते हैं? इसमें पहले हम 20-20 जो पैसे हैं उनके ढेरी लगाते हैं। देखो, ये ऐसे 2 रुपये वाले अलग कर लेते हैं, 20 पैसे वाले अलग, 10 पैसे वाले अलग, 50 पैसे वाले अलग। गुल्लक हमने खोल लिया है और इसमें से हमने 1-1 रुपये के सिक्के, ये देखो ये 10 रुपये का सिक्का है, ये देखो ये क्या है बच्चों, ये बहुत ही पुराने टाइम का एक 20 पैसे का सिक्का है। और ये क्या है, ये 50, इसके ऊपर 50 लिखा हुआ है ना, ये 50 पैसे का सिक्का है। क्या है आपके पास? ये 50 पैसे का एक छोटा सिक्का। और ये देखो, ये 10 पैसे का छोटा सिक्का। ये बहुत प्राचीन समय में होते थे। अच्छा बच्चों, रुपये में और पैसे में क्या अंतर है ये हम देखते हैं। चलो गिनते हैं इनको, कितने रुपये हो गए, 10 और 10 20। 20 तो ये हो गए हमारे पास 20 रुपये। और अभी 5-5 के देखेंगे, ये 2 5-5 के हैं, 5 और 5 10 ये हो गए। अब 2-2 के सिक्के देखो, ये रे 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, कितने हो गए, 6 रुपये हो गए ना, ये 6 ये हो गए। 20 और 10 30 और 6 36 रुपये हो गए ना ये। अब 1-1 रुपये की और जोड़ लो इनमें, 1 2 3 4 5 5 ये 1-1 रुपये के हैं, कितने हो गए, 36 से आगे 5 37 38 39 40 41 41 रुपये हो गए। अभी और देखेंगे, 25 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा बच्चों, रुपये में और पैसे में क्या अंतर होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया कैसे बनता है आपका, ये देखो ये 50 पैसे का सिक्का है। पैसे एक छोटी इकाई होती है, 2 50 पैसों को मिलकर 1 रुपया बनेगा, यानी कि 50 पैसे जमा 50 पैसे क्या बनेगा हमारा, 100 पैसे बनेगा ना। 100 पैसे के बदले हमारा 1 रुपया आता है, यानी कि ये 1 रुपया बराबर है 100 पैसे। तो ये कितना बन गया, 100 पैसे 1 रुपया बन गया। ये 2 को मिला दो इनको, ये भी कितना बन गया, 1 रुपया 2 रुपये, और ये 3 रुपये, और ये कितने बन गए, 4 रुपये बन गए, 4 ये बन गए हमारे 50 पैसे के सिक्कों से। अब ये 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 25 50 50 और 25 75 और 2500, यानी कि 25 पैसे के सिक्के से हम 4 मिलाएंगे तो हमारा 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया ये बन गया 25 वाला। 20 पैसे के सिक्के देखो, ये 20 20 40 20 60 20 80 20 100, 100 पैसे है ना, मैंने बताया था अभी आपको 100 पैसों से 1 रुपया बनता है, तो 1 रुपया ये आ गया। और 10 10 पैसे वाले देखो, ये 10 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 4 10, कितने हैं ये हमारे पास, 10 पैसे 10 हैं, तो इनसे भी 1 रुपया बन गया, एक ही। तो कितने पैसे, कितने रुपए हो गए हमारे पास कुल, 41 और 4 45 46 47 48, गुल्लक में कितने रुपए लिख रहे हैं, 48 रुपये निकले हमारे गुल्लक में। चलो देखते हैं हम रुपए पैसे का खेल कैसे हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1 रुपया बराबर है 100 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे आते हैं बच्चों, 100 पैसे आते हैं। और 2 रुपये में कितने पैसे आएंगे, ये देखो ये रहा 2 रुपये का सिक्का हमारा, 2 रुपये में 50 1 2 रुपये, यानी कि 1 रुपया 1 रुपया, 2 रुपये में कितने आएंगे फिर, 200 पैसे आएंगे, 200 पैसे आएंगे बराबर है 300 पैसे, 4 रुपया बराबर है 400 पैसे। अब आप कहेंगे सर ये 400 पैसे कितने होते हैं, 400 पैसे का मतलब है कि 50 50 पैसे के, देखो ये 50 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे, 50 50 पैसे के 50 50 2, यानी कि 50 पैसे और 50 पैसे 2 हो गए ना हमारे पास, तो 1 रुपया बनेगा, 2 बराबर है 1 रुपया। और 4 रुपये में कितने आएंगे, 8 आएंगे, यानी कि 50 50 पैसे के 8 सिक्के आएंगे, तो कितना बनेगा हमारा, 400 पैसा। इसी प्रकार से आप और कर सकते हैं, जैसे 5 रुपये 5 पैसे कितने पैसे बनेंगे, बढ़ाओ 5 रुपये 5 पैसे कितने होते हैं, 5 रुपये 5 पैसे, देखो ये रहा 5 रुपये, और ये 5 पैसे का सिक्का देखो, ये रहा 5 पैसे का सिक्का,
देखिए, ये 5 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 500 पैसे, और ये 5 पैसे कितने हो गए बताओ? 500 ये और 5 ये, तो कितने हो गए? 500 में 5 जोड़ लेंगे, यानी कि 505 पैसे, और 5 रुपये और 50 पैसे, क्या अंतर है इनमें? देखो ये 5 रुपये और ये 50 पैसे कौन से हमारे, उसमें 50, ये 5 पैसे और 50 पैसे, तो कितना आएगा? 500 रुपये के 500 पैसे और 50 पैसे ये पड़े, तो कितने बन गए हमारे? 550 पैसे। इस प्रकार से आप रुपए पैसों का खेल गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं। और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 78 पे रुपए पैसों का खेल खेल सकते हैं। जैसे दिखाया गया किताब में 4 रुपये बराबर है 400 पैसे, 5 रुपये बराबर है 5 गुणा 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 5 में 100, तो 5 गुणा कर देंगे 100 से, 500 पैसे। इसमें आएगा 6 रुपये का 6 गुणा 100, यानी कि 600 पैसे। इसी प्रकार से आएगा 200 पैसे का रुपए। अब पैसे के रुपए बनाएंगे हम, देखो 10 पैसे है ना, अगर हम 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाएं, यानी कि 10 पैसे के 10 सिक्के, देखो ये रहा, तो 100 पैसे हो गए ना हमारे, 10 10 10 10 20 10 30 10 40 10 50 60 70 80 90, और ये 100, यानी कि 100 पैसे हो गए 10 सिक्कों से, तो क्या बन गया हमारा 100 पैसे से? 1 रुपया। इनके बदले में हम 1 रुपये का सिक्का ये ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 200 पैसे बराबर है आएगा 2 रुपया, और इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं हम, 5 रुपये 20 पैसे, तो कितना आएगा इसका? 5 रुपये के 500 पैसे, और ये 20 पैसे और, तो 520 पैसे सीधा ही कर सकते हैं। और सवाल देखते हैं आप, थोड़ा कठिन सवाल देखते हैं। 928 पैसे, इसको कैसे करेंगे आप? 900 पैसे अलग कर लो और 28 पैसे अलग कर लो। 900 पैसे के बनेंगे 9 रुपये और 28 पैसे, ऐसे कैसे आएंगे? पैसे बहुत छोटी इकाई होती है, पैसों में कोई समान नहीं आता। चलो अब देखते हैं आगे। ये देखो 1 रुपये 50 पैसे के मिलाना है मेल आपने, कितने बनेंगे? 150 पैसे। 4 रुपये 50 पैसे के 450 पैसे। 10 रुपये 50 पैसे के, अब 10 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये में 100 होते हैं ना, 1 में 100, 10 में, तो 10 में कितने आएंगे? 2 में 200, 9 में 900, और 10 में 1000, ऐसे आएगा, यानी कि 1000 आएगा। 1000 पैसे और ये 50 पैसे, कितने आएगा बच्चों? 1000 जमा 50, जोड़ लेंगे इसको ऊपर नीचे लिख के भी हम, 1050 पैसे। कहाँ है ये? देखो ये रहा, इसको मेल मिलाना है, ये रहा, इसको किससे मिलाएंगे? इसको यहाँ से ऐसे इससे मिला देंगे। 26 रुपये के 2600 पैसे, 51 रुपये 50 पैसे के 5150 पैसे, ये इससे मिला देंगे। आओ कुछ स्टेशनरी खरीदें, ये देखो स्टेशनरी खरीदने का सामान है, ये सब दिया हुआ है इसमें, ये आपने खुद ही करना है। अब रुपए पैसे आप समझ गए होंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं हम, 303 पैसे कैसे लिखेंगे इसको, और 330 पैसे, इनमें क्या अंतर है बताओ? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। दोनों में 3 रुपये हैं, 3 रुपये इसमें भी और 3 रुपये इसमें भी, इसमें क्या है? इसमें 3 पैसे, 3 पैसे कौन से होते हैं हमारे? मैंने अभी दिखाए थे आपको, ये देखो ये रहे 3 पैसे, बहुत छोटी काई है ये 3 पैसे, और इसमें 30 पैसे, 30 पैसे कैसे? एक ये देखो ये 20 और 10, ये 30 पैसे है, तो इसमें दोनों में यही अंतर है, ये 3 पैसे का सिक्का है और ये 30 पैसे सिक्के हैं, तो इनमें यही अंतर है, समझना है आपने। 303 पैसे के 3 रुपये 3 पैसे, और 330 के 3 रुपये 30 पैसे। इसी प्रकार से 805 पैसे के कितने बनेंगे? 8 रुपये 5 पैसे, और 850 पैसे के 8 रुपये और
50 पैसे, यहाँ पर 50 पैसे आए। अच्छा अभी एक बात बताएं आप, कितने 50 पैसे के सिक्के मिलकर 2 रुपए बनाएंगे? 50 पैसे से बनाने हमें 2 रुपए कितने आएंगे? ये देखो 2 50 पैसे मिलेंगे, तो ये देखो 2 50 पैसे मिल गए हमारे, 1 रुपया बन गया, और ये 2 50 पैसे और मिल गए तो कितना बन गया? 1 रुपया बन गया, यानी कि 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपया, यानी कि 50 पैसे के 4 सिक्के कितने होंगे? बराबर है 2 रुपये। समझ में आई बात आपको? अब अच्छा ये बताओ, 1 रुपये के कितने सिक्के 5 रुपये बनाएंगे? ये तो बड़ा आसान है, 1 रुपये की 5, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया, 5 बार 1 1 रुपया करके हमारा 5 रुपये का नोट आ जाएगा। अच्छा और बताओ, 25 पैसे के, देखो 25 पैसे है हमारा, ये 25 पैसे सिक्का है, मैं 25 पैसे सिक्के निकाल रहा हूँ, ये देखो ये रहा 25 पैसे सिक्के हैं, 2 25 पैसे कितने हैं? 25 पैसे के 2 सिक्के बराबर है कितने बनेंगे? 50 पैसे बनेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 50 पैसे 1 रुपये का आधा है, यानी कि 2 बराबर इससे आधा है।